नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत। 1 फरवरी को मोदी सरकार के पहले कार्यकाल का आखिरी बजट पेश होगा, यह अंतरिम बजट होगा। आमतौर पर अंतरिम बजट अगले 2 से 3 महीने होने वाले खर्च को ध्यान में रखकर पेश किया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा माना जा रहा है कि ये अंतरिम बजट इससे पहले पेश किए गए अंतरिम बजट से अलग होगा। दरअसल लोकसभा चुनाव में 2019 में मोदी सरकार की साख दांव पर है, तो दूसरी तरफ पूरा विपक्ष लामबंद होकर मोदी सरकार को हटाने की हर मुमकिन कोशिश में लगा है। ऐसे बजट कितना आम आदमी के लिए खास, उतना ही महत्वपूर्ण यह एनडीए सरकार और खुद पीएम मोदी के लिए। फिलहाल इंडस्ट्री से लेकर बाजार तक और करदाताओं से लेकर किसान और युवाओं तक सभी की नजर मोदी सरकार के इस चुनावी बजट पर टिकी है। बजट 2019 से देश को बड़ी उम्मीदें। एक फरवरी को पेश होगा मोदी सरकार का आखिरी बजट। क्या वित्त मंत्री पीयूष गोयल पेश करेंगे चुनावी बजट? क्या लोक लुहावन होगा मोदी सरकार का बजट? क्या बजट में नौकरी पेशा वर्ग को मिलेगी राहत? क्या टैक्स स्लैब में होगा बदलाव? क्या वित्त मंत्री भरेंगे कामकाजी लोगों की झोली? क्या बजट में महिलाओं को मिलेगी सौगात? क्या व्यापारी वर्ग को बजट में मिलेगी राहत? क्या किसानों को सरकार देगी सरप्राइज गिफ्ट? क्या उद्योग जगत के लिए खुलेगी वित्त मंत्री की पोटली? क्या बजट से पूरी होगी युवाओं की आस? सुनिए वित्त मंत्री जी जनता के दिल की बात। मोदी सरकार के आखिरी बजट से ठीक पहले अरुण जेटली के अस्वस्थ होने की वजह से फिलहाल मोदी सरकार के संकट मोचक बनकर पीयूष गोयल सामने आए। सरकार ने उन्हें वित्त मंत्रालय का जिम्मा सौंपा है। पिछले दिनों 3 बड़े राज्यों में बीजेपी के चुनाव हारने के बाद इस अंतरिम बजट की अहमियत बढ़ गई और वित्त मंत्री पीयूष गोयल के सामने चुनौती। निश्चित तौर पर यह बजट पॉपुलिस्ट होगा, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुश किए जाने की कोशिश की जाएगी। हाल ही में सरकार की ओर से भी ऐसे संकेत मिले थे कि अंतरिम बजट कुछ अलग ही होगा। ऐसे में उम्मीदें और बढ़ जाती हैं। देश की जनता इस बार के बजट में सरकार से क्या उम्मीद रखती है, आज जनता की मांग को हम वित्त मंत्री पीयूष गोयल तक पहुंचाएंगे। तो चलिए आपको राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद ले चलते हैं, जानते हैं यहां के आम लोगों की वित्त मंत्री से क्या उम्मीदें हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमंत कुमार और एपीएन में आपका स्वागत है। 1 फरवरी को मोदी सरकार अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने जा रही है, लिहाजा देश की जनता के साथ साथ राजनीतिक दलों की नजरें भी इस बजट पर टिकी रहेंगी कि सरकार कहीं कोई चुनावी लॉलीपॉप तो जनता को नहीं पकड़ाने वाली है। लेकिन इन सब के बीच देश के आम जनता के मन में क्या चल रहा है, जो व्यापारी वर्ग हैं उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि मोदी सरकार ने अपने इस पूरे कार्यकाल के दौरान नोटबंदी और GST जैसे 2 अहम फैसले लिए, जिसका सबसे ज्यादा असर अगर किसी पे हुआ तो वो देश का व्यापारी वर्ग है। जी हाँ, इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश की औद्योगिक कह सकते हैं नगरी गाजियाबाद में मौजूद हूँ। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारे साथ वो तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और अपने कार्यक्रम की शुरुआत हम इन लोगों से करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बजट को लेकर इनके मन में क्या चल रहा है। बेहद संक्षेप में, 1 फरवरी को बजट पेश करने जा रही है सरकार, आखिरी बजट है, क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? देखिए, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं आम आदमी को भी, मध्यम वर्गीय परिवार को भी और व्यापारियों को भी। और सबसे ज़्यादा तो मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो एक इनकम टैक्स की स्लैब, स्टैंडर्ड डिडक्शन और 80C और 80D के तहत आने वाले जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उसमें बढ़ोतरी के लिए ही सबसे ज़्यादा मांग होगी। और व्यापारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि GST की वजह से रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो हमारी मांग रहेगी कि कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया जाए, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं, क्या कहेंगे इस बजट से, क्या उम्मीदें हैं आपकी? बहुत अच्छी उम्मीद करे बैठे हैं कि अच्छा हो,
अच्छा, और इनकम टैक्स की 2.5 लाख वाली हो 5 लाख तक की जाए। चलिए, इनकम टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की जानी चाहिए। सर, आपके मन में क्या चल रहा है बजट को लेकर? मन में ये चल रहा है कि जो GST की स्लैब है उसको अभी जो 18 और 28% है उनको भी सिर्फ 5 और 12% की स्लैब पर लेकर के आना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन तो बढ़ ही रहा है। जब रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ रहा है तो दे शुड ब्रॉट डाउन दिस GST लिमिट्स, GST स्लैब्स। निश्चित रूप से बहुत बढ़िया, सब लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या उम्मीदें हैं? इन माई ओपिनियन दैट ATC लिमिट शुड बी एनहेंस्ड एटलीस्ट अप टू 2.5 लाख, अप टू इनकम ऑफ 10 लाख एंड अबव 5 लाख, अप टू इनकम अबव 10 लाख, बिकॉज वाट एवर द मनी यू आर डिपोजिटिंग फॉर ATC स्कीम दैट इज गोइंग टू द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कैन यूज इट। What I am going to do money, it is the benefit of the government only. Comment के हित में है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आखिरी बजट सरकार पे दबाव होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आम जनता की उम्मीदें कुछ ज्यादा होंगी। सुहान जी, जैसे आप जानते हैं इलेक्शन बजट है तो लॉलीपॉप बजट तो आएगा ही आएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। बट फिर भी है कि कुछ चीजें हैं जैसे GST के अंदर में आपको ये अपना जैसे लिकर है या फिर आपका पेट्रोल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ये भी GST के दायरे में आने चाहिए, जिसकी वजह से इसका फायदा पूरे इंडिया में सबको मिले। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण मसला इन्होंने एक उठाया कि पेट्रोलियम पदार्थों यानी पेट्रोल और डीजल को भी GST के दायरे में लाना चाहिए, जिससे कि आम जनता को सस्ते पेट्रोल और डीजल मिल सके। सर, आपकी क्या उम्मीद है? देखिए, जैसे कि साथियों ने कहा कि जो एक मध्यमिक वर्ग के लिए बजट होना चाहिए, जिसके अंदर इनकम टैक्स लाइव बढ़ना चाहिए, मेडिकल में ATC के अंदर जो है और ज्यादा उसका लिमिट बढ़नी चाहिए, उसके अलावा जो नॉन मेट्रो सिटीज HRA उसको भी उसमें भी इंक्लूड करना चाहिए, ताकि जो कॉर्पोरेट वर्किंग है उनको जो अलाउंस है वो नॉन मेट्रो सिटीज में मिल सके। अब नॉन मेट्रो सिटीज भी काफी डेवलप कर गई हैं, पुणे है, ये सब सिटीज हैं, तो जो लोग काम करते हैं वहाँ पे उनको भी इसका फायदा हो। और जैसे कि आप जानते हैं कि इनकम टैक्स पे करने वाले बहुत कम लोग हैं हमारी पूरी पॉपुलेशन में से, और उसी से खर्चा और उसी पर लोड जो है बहुत बड़ी जनता का है, तो कुछ ऐसी स्कीम लानी चाहिए जिसके अंदर इनकम टैक्स में भागीदारी काफी बड़ी जनता की होनी चाहिए, जिससे कि बिल्कुल। बहुत बड़ा मुद्दा उठाया आपने। आप ये कह रहे हैं कि जो इनकम टैक्स देने वालों की जो संख्या है, सरकार को कुछ इस बजट में ऐसे प्रावधान करने चाहिए कि ज्यादा टैक्स पेयर्स उनकी संख्या बढ़े। सर, आपकी क्या उम्मीदें हैं? मैं चाहता हूँ जो पेंशन भोगी है उनकी पेंशन टैक्स फ्री होनी चाहिए। पेंशन भोगी है, चलिए, उन्होंने अपने हित की बात की है, सीनियर सिटीजन को जरूर खुशी होगी। मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर तालियां बजाएं, क्योंकि ये लोग जो है चाहते हैं कि राहत मिले। सर, आपकी क्या उम्मीदें हैं बजट से? मैं भी एक पेंशन भोगी हूं, और जो इन्होंने जैन साहब ने कहा है कि पेंशन में जो हमें पेंशन मिलती है वो हमारे गुजारे भत्ते के लिए होती है, उस पर भी टैक्स लगा देते हैं, तो वो टैक्स नहीं होना चाहिए। तो क्या मोदी जी कुछ ज्यादा ही टैक्स लगा रहे हैं क्या? बहुत ज्यादा उस पर टैक्स लगा रहे हैं, और उसके अंदर सीनियर सिटीजन है हम तो सीनियर सिटीजन से तो वैसे ही जो है ना कम से कम पेंशनर उसमें आ जाए, बाकी सीनियर सिटीजन की हो सकता है और ज्यादा इनकम हो, लेकिन हमारी तो पेंशन ही इनकम। पेंशनर पे सरकार को और राहत देने की जरूरत है। आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से टैक्स खत्म कर देना चाहिए, ट्रांजैक्शन टैक्स लगाना चाहिए केवल। दूसरे 3 स्लैब बनाए, 5 लाख 15 लाख एंड अबव, उसमें टैक्स कम रखेंगे तो कलेक्शन ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा टैक्स होगा उतना कलेक्शन कम होगा, इसलिए मैक्सिमम जो है 10% टैक्स होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा सुझाव इन्होंने दिया है, आप क्या कहेंगे सपना जी? मेरा मानना है कि सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा पे जिस तरीके का वातावरण अभी समाज में चल रहा है उस पे भी ध्यान देना चाहिए। बेरोजगारी की जो संख्या थी वो कहीं ना कहीं हमारे बजट में होनी चाहिए। मोदी सरकार का ये अंतिम बजट है, और इस समय हमारे किसान वर्ग हों, महिलाएं हों, जो साधारण व्यक्ति हैं उनको भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए। इंश्योरेंस पॉलिसी जो आई हुई है उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जाए, जिससे कम से कम हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ के आज की सेवा कर। चलिए, आपने कहा कि चौमी सबको, चाहे किसान हो, बेरोजगार नौजवान हो, महिलाएं हो, सबके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैम, आप क्या कहेंगे? मेरा भी कहना यही है कि भाई सबकी तरफ ध्यान देना चाहिए, गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, टैक्स का इस तरीके से हिसाब होना चाहिए कि जो सबको मतलब सुविधा मिल सके। मैम, आप महिला हैं, घर का बजट आप बनाती हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे देश का बजट 1 फरवरी को आने वाला है, क्या उम्मीदें हैं आपकी सरकार से? घर की जो नॉर्मली किचन के आइटम हैं वो थोड़े इस हिसाब से होने चाहिए, ऐसा बजट होना चाहिए कि सब उसको अफोर्ड कर सकें और थोड़ा सब उसको मतलब खा पी सकें, गरीब लोग भी पैसे के या बजट के चक्कर में उनका पोषण कम ना हो। चलिए, पोषण कम ना हो, आप ये कह रहे हैं कि भाई जो खाने पीने में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं उस पर सरकार को जी बिल्कुल खास ध्यान देना चाहिए। सर, आप क्या कहेंगे, क्या उम्मीदें हैं आपकी बजट से? चुनावी वर्ष है और ये पूरे सभी लोग जानते हैं कि चुनावी वर्ष में जो सरकार है अपना लोक लुभावन बजट मतलब पेश करेगी,
फिर भी मेरी एक उम्मीद है सरकार के साथ सैलरीड पर्सन की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो 40,000 था उसको कम से कम 1,00,000 में लाए, और जो स्लैब है टैक्स का जो 20% का उसको 10% में लाए। निश्चित रूप से इन्होंने भी अपनी बात रखी है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, आपकी क्या उम्मीदें बजट से? सरकार ने हाल ही में काफ़ी सराहनीय कदम उठाए हैं MSMEs के लिए और स्मॉल बिजनेसेस के लिए जो GST में रजिस्टर्ड है उनको बढ़ावा देने के लिए। फिर भी मैं बोलना चाहूंगा कि सरकार को अभी भी काफ़ी कदम उठाने पड़ेंगे ताकि जॉब क्रिएशन हो, जो मेन मुद्दा रहा है पिछले 4-5 सालों में वो जॉब क्रिएशन का रहा है, उसके लिए आप ये चाहते हैं कि बजट ऐसा हो जिससे ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा किए जा सके। चलिए और लोगों से बात करते हैं। सर, आपका क्या कहना, क्या उम्मीद है बजट से? ये मोदी सरकार ने एक तो बहुत अच्छा काम किया है GST लाके, लेकिन इसमें भी अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश को और सरकार को करनी चाहिए, जिसमें सबसे बड़ा क्या है कि जो एंड यूज़र है जो चीज़ों को इस्तेमाल करता है उसको 18% से 28% टैक्स देना पड़ता है, तो उसको भी कहीं ना कहीं टैक्स में बेनिफिट मिलना चाहिए। ये कहना है कि जो GST में जो स्लैब्स हैं उन जो हायर 18 और 28 उसको कम से कम के दायरे में लाया जा सके। चलिए सर, आपसे बात करेंगे, क्या कहेंगे आप बजट से, क्या उम्मीदें हैं? सर, मोदी सरकार ने दो काम अच्छे किए हैं और इसका बहुत बड़ा फर्क व्यापारियों पर पड़ा है। GST अच्छा है लेकिन इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। मेरा मानना है GST का स्लैब एक ही रखा जाए, जो 28% चल रहा है, 18% जो भी है, इसको एक 12% के आसपास रखा जाए। और अभी किसानों सामान्य वर्ग के लिए उन्होंने 10% कोटे का रिजर्वेशन किया, उसमें खुद माना है कि 8,00,000 कमाने वाला गरीब है उसको रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो मेरा मानना है कि इसको 5,00,000 रुपये करना चाहिए इनकम टैक्स को, क्योंकि वो खुद ही कह रहे हैं 8,00,000 रुपए वाला 38 में। तो जो 10% आरक्षण के लिए जो जो लिमिट है 8,00,000 की आप चाहते हैं उसको कम किया जाए। सर, आपकी क्या उम्मीद है बजट से? मेरे को बहुत उम्मीद है, मोदी जी ने अभी भी कुछ GST के स्लैब कम किए हैं और हम चाहते हैं कि और थोड़ी कुछ कम करें और जिससे कि मध्यम वर्ग को सुविधा रहे और अच्छा रहेगा उसके। चलिए, मध्यम वर्ग को राहत देने वाली कदम सरकार को उठाना चाहिए, चूंकि हम सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा बोझ अगर इस देश में अगर किसी पे है तो मध्यम वर्गीय। सर, आपकी क्या उम्मीद है इस बजट से? देखिए, ये सरकार का चुनाव से पहले का बजट है और सरकार चाहेगी इसमें कि हर वर्ग को खुश कर सके। व्यापारी वर्ग पिछले 2-3 साल से बहुत परेशान है। हम उम्मीद करेंगे, एक तो रियल इस्टेट सेक्टर बहुत पिछड़ रहा है जिसको सरकार को ध्यान देना चाहिए, कम से कम उसके लिए जैसे 12% GST लगाइए बजट के अंदर, ऐसे प्रावधान हो, एक तो वहाँ थोड़ी रियायत हो। दूसरे, जो कॉरपोरेट टैक्स है वो कुछ और कम करना चाहिए, पिछली बार सरकार ने 25% किया है, मेरा मानना कम से 20% करें। और मध्यम वर्ग के लिए जो स्लैब है, जो इनकम टैक्स का है, वो 3,00,000 की जगह 5,00,000 होना चाहिए। कुछ चीज़ें सरकार करेगी तो सरकार को कहीं ना कहीं जो है अपेक्षाकृत ज़्यादा लाभ मिलेगा, कुछ कदम उठाएगी तो सरकार को लाभ मिलेगा। चलिए, आप क्या कहेंगे बजट से, क्या उम्मीदें आपकी? बजट से हमें काफ़ी उम्मीद है आने वाले फरवरी में जो बजट पास होगा। और दूसरा, हम व्यापारियों की बात कर रहे हैं तो व्यापारियों के लिए मैं ये आशा करता हूँ कि बजट में सब्सिडाइज रेट पर जो छोटे व्यापारी हैं उनको सब्सिडाइज रेट पर लोन की सुविधा उपलब्ध कराए गवर्नमेंट। छोटे व्यापारियों को सब्सिडाइज रेट पर लोन मुहैया कराना चाहिए। हमारे कार्यक्रम में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी मौजूद हैं। सर, इस वक्त सबसे ज़्यादा जब बजट पेश होता है तो सबसे ज़्यादा लोग आपको याद करते हैं जब इनकम टैक्स भरना हो, आप लोग के मन में क्या चल रहा है, चूँकि आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, क्या लगता है, ये कयास तो हैं कि जो इनकम टैक्स जो है लिमिट जो भरने की सीमा उसको सरकार बढ़ा सकती है, 2.5 से ज़्यादा कर सकती है, 5 तक कर सकती है, आपको क्या लग रहा है, कितनी फिजिबिलिटी आप देख रहे हैं? नहीं, इस बार इसको 2.5 से 5 तो ये 100% कर ही देंगे जहाँ तक है, क्योंकि इस बार चुनाव से पहले का बजट है और इसमें सबसे ज़्यादा जो GST और नोटबंदी हुई थी उससे मध्यम वर्ग को काफ़ी दिक्कतें हुई थी, तो उनको खुश करने के लिए भी ये लिमिट बढ़ेगी। और सरकार को जो होम लोन की लिमिट है, इंटरेस्ट में जो छूट मिलती है, उसको भी बढ़ाएगी, क्योंकि उसी से जो सरकार का एजेंडा है सबका घर हो अपना, तो उसके लिए होम लोन की लिमिट में भी, और 80C जो हमारी लिमिट है 1.5 लाख की, उसमें भी थोड़ा इजाफा होगा इस बार। और GST की जो रेटें हैं उनमें कुछ आइटम जो अभी बचे हुए हैं, जैसे सीमेंट है 28% है, उसको भी ये कम करेंगे और मेरे ख्याल से 18-12 के दायरे में ले आएंगे। तो आपको लगता है कि सर इस बार सरकार कुछ ऐसे कदम उठा सकती है जिससे आम आदमी को, मध्यम वर्ग को, व्यापारी वर्ग को राहत मिलेगी? 100% इस बार ऐसे जरूर बजट में आएगा जिससे आम आदमी और मध्यम वर्ग के आदमियों को बहुत बेनिफिट होगा। जल्दी से सर एक छोटी सी टिप्पणी आपसे लेंगे, क्या इस बार उम्मीद आपको भी है, क्या आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, बाकी कारोबार से जुड़े, आपको लगता है कि इस बार वाकई सरकार कुछ ऐसा उठाएगी जिससे कि आम आदमी को राहत मिलेगी? देखिए, मैंने पहले भी कहा चुनावी बजट है, सरकार 100% उठाएगी, क्योंकि पिछले 2-3 साल से आप देख रहे हैं कि व्यापारी वर्ग कहीं ना कहीं परेशान है और व्यापारी वर्ग सरकार से उम्मीद कर रहा है कि बजट से पहले कम से कम कुछ ऐसा करें जिससे कुछ राहत मिले।
तो रियल एस्टेट के लिए भी और जो लघु उद्योग है उनके लिए भी और जो आम आदमी के लिए भी, कई सेक्टरों में सरकार को काम करना पड़ेगा। बजट सरकार का एग्जाम का बजट है, मैं तो ये कहूँगा सरकार का एग्जाम है इस बजट के अंदर। अगर ये बजट अच्छा नहीं बनेगा तो सरकार कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। एक आखिरी सवाल, क्या आप व्यापारियों की बात आप उठाते रहते हैं, आपको लगता है कि नोटबंदी और जीएसटी के बाद जो व्यापारियों की नाराजगी थी, सरकार के पास आखिरी मौका है उसे दूर करने का? बिल्कुल, मैं कहूंगा आखिरी मौका है ही है, क्योंकि इस बार आप देख रहे हो चुनाव के समीकरण बहुत बिगड़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप रोज देख रहे हो नई न्यूज, और विपक्ष बहुत ताकत के साथ चुनाव में अपना भाग निभा रहा है, तो सरकार को सोचना पड़ेगा कि व्यापारी वर्ग कहीं ना कहीं असंतोष है। सरकार ने अभी 10% जो आरक्षण दिया है आप देख रहे हो चुनाव के मारे दिया है वो, तो चुनाव के मारे सरकार को बहुत ध्यान देना पड़ेगा बजट बनाते हुए कि ऐसा बजट दिया जाए जो व्यापारी वर्ग में जो असंतोष है वो कहीं ना कहीं कम किया जा सके। बिल्कुल, चुनाव आखिरी बजट है, सरकार पर दबाव रहेगा कि ऐसा बजट बनाया जाए कि नोटबंदी और जीएसटी के बाद जो व्यापारियों में नाराजगी थी उसे दूर किया जाए, आपकी क्या उम्मीद है? देखिए, ये मोदी सरकार आखिरी बजट के साथ साथ चुनावी बजट भी है, और सरकार की पूरी कोशिश यही होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा जनता को लाभ दें। लेकिन मेरा सुझाव यह है कि एक तो जीएसटी का जो लेवल 24% 28% ये कम से कम होना चाहिए। जीएसटी के स्लैब को कम किया जाए, सर आपकी क्या उम्मीद है? सर, मेरी उम्मीद ये है कि आम बजट अब जो पेश होने जा रहा है इसमें विशेषकर मध्यम वर्ग के लोग और अल्प आय वर्ग के लोग हैं, किसान हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा सरकार दे तो बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी किसानों को भी, और ये आपका पेट्रोल है डीजल है इनको जीएसटी के दायरे में लाया जाए, जिससे कि हमारा इससे काफ़ी बिजनेस पे व्यापार में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारा अगर ये पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो हमारा भाड़ा भी एक्सेस होता है। आप चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमत कम किया जाए जिससे कि व्यापार पे भी? बिल्कुल 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 जी, क्या कहेंगे? मेरा इसमें मानना है कि जो आम लोगों की जरूरत की चीजें हैं वो उसमें चीजें सस्ती होनी चाहिए और उसकी कॉस्टिंग कम आनी चाहिए। चलिए, आम लोगों की जरूरतों का सामान कम होनी चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ अलग अलग क्षेत्र के कारोबार से जुड़े लोग हैं और सीधे तौर पे अलग अलग तरीके, चाहे इनकम टैक्स में लिमिट जो है उसे बढ़ाने की बात हो, एटीसी के तहत डिडक्शन की बात हो, जो पेंशनर्स है उनका कहना पेंशन से टैक्स हटना चाहिए, तो अलग अलग तरीके के लोग अपनी अपनी बजट से उम्मीदें जता रहे हैं। मोदी सरकार के आखिरी बजट पेश होने में महज चंद दिन बचे हैं। वित्त मंत्रालय में करीब 100 से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारी वित्त मंत्रालय में बंद होकर बजट के काम में जुटे हैं। पूरे देश की नजरें 1 फरवरी पर टिकी है जब वित्त मंत्री पीयूष गोयल बजट पेश करेंगे, लेकिन इस बीच गाजियाबाद के व्यापारी, युवा, महिलाएं और आम जनता के दिलों में बजट को लेकर क्या हलचल है? इस बार के बजट से यहां की जनता को वित्त मंत्री से क्या उम्मीद है, आइए जानते हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम से बजट चौपाल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ब्रेक के बाद। तो चलिए कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और बहुत जल्दी जल्दी से एक छोटा सा कमेंट, मैम घर का बजट देश का बजट, सरकार से उम्मीद इस बार ज्यादा है? ऑफ कोर्स ज्यादा होना भी चाहिए, क्योंकि ये आखिरी बजट भी है, चुनावी भी मामला भी है, और साथ साथ लोगों को उम्मीद भी बहुत है, और जितना भी तबका है वो ये चाहता है कि ये बजट ऐसा ऐतिहासिक हो कि सभी लोगों को कहीं ना कहीं सांत्वना मिले, सेटिस्फेक्शन मिले, जिससे कि राजनीतिक पार्टियों के लिए भी अच्छा रहे। चलिए चलिए, बहुत ज्यादा उम्मीद है इस बार बजट से, लगता है कि इस बार उम्मीद का बोझ शायद ज्यादा होगा, हालांकि जेटली जी तो बीमार हो गए हैं और ये तय हो गया है कि बजट पीयूष गोयल जी पेश करेंगे। देखिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सरकार है, तो जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी सरकार है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बजट, जनता की जो एक्सपेक्टेशन है वो सही बात है कि बजट ऐसा होना चाहिए जिससे कि उम्मीदों से ज्यादा हो खरा हो, और मुझे विश्वास है ऐसा ही बजट आएगा। चलिए, इनको विश्वास है ऐसा ही बजट आएगा। नोटबंदी और जीएसटी से उपजे नाराजगी को खत्म किया जा पाएगा? बिल्कुल खत्म किया जाएगा, बिल्कुल। सर सर देखिए, मोदी जी बड़े प्रतिभाशाली प्रधानमंत्री रहे हैं और उनसे जनता को बहुत उम्मीदें थी 4 साल में, परंतु जेटली जी ने जो बजट दिया है उसमें कुछ दिया नहीं है। इस बार तो बीमार है, इस बार तो पीयूष गोयल। हाँ, मुझे मालूम है, पीयूष गोयल जी से हमारी ये प्रार्थना है कि वो थोड़ा सा इस चीज को ये सोचें कि भाई लोगों को बचत के लिए प्रोत्साहन दें, बचत के लिए प्रोत्साहित करें। चलिए, बहुत जल्दी, चूंकि समय कम है, जरूरत इस चीज की है, वाकई में जरूरत इस चीज की है कि बचत को प्रोत्साहित करें ताकि लोग पैसा सेव कर सकें, उनके पास में कुछ पैसा बचेगा तभी बचा पाएंगे। सेविंग्स को बढ़ावा देना चाहिए सरकार। सभी वर्ग खुश रहे, इस तरह का बजट हो पेश, सभी वर्ग खुश हैं। आप क्या कहेंगे सर? जो पीयूष गोयल जी हैं वो भी उतने ही समर्थ हैं, और मुझे लगता है कि कोई कमी नहीं है मोदी गवर्नमेंट के पास टैलेंट की, तो जो है सब वर्गों का ध्यान रख के ही ये गवर्नमेंट इस बजट को देगी, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। सर संक्षेप में बताइए। सर, मैं तो यही कहूंगा कि जो गरीब लोगों का स्लेब बनाया हुआ है कि 8 लाख
के लोग हैं जो उसमें आते हैं, गरीबी रेखा में उन्होंने जोड़ा हुआ है, तो मैं वहां तक उसको चाहता हूं कि उम्मीद है मेरी जो 2.5 लाख से बढ़कर के उसको उस स्लैब में लाया जाए ताकि उन पर कोई टैक्सेशन नहीं हो। टैक्सेशन ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, बहुत जल्दी जल्दी से क्या कहेंगे आप? सर, नोटबंदी के बाद सबसे ज्यादा असर व्यापारियों पर पड़ा है। मैं यही चाहूंगा कि मोदी सरकार को व्यापारियों को इस बार खुश करना चाहिए। क्या कहेंगे? मोदी जी बहुत बढ़िया बजट देंगे इस बार, बहुत अच्छा बजट आएगा। सर आप देखो, सारे वर्ग खुश रहे इस बार, ऐसी सोच होनी चाहिए सरकार की, सारे वर्ग खुश हैं। सर आप क्या कहेंगे? सर मेरे हिसाब से इस बार पीयूष गोयल जी बजट दे रहे हैं, जो एक कैपेबल है और चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो ऐसा बजट लाएंगे जिससे सभी को खुशी महसूस होगी। बिल्कुल, तो इस बार कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि चौपाल में जो अलग अलग क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और सब लोग ये चाहते हैं कि अभी तक सरकार ने जो फैसले लिए और फैसलों से अलग अलग तबकों में जो नाराजगी है, सभी तबकों को, सभी वर्गों को, खासकर कारोबारी वर्गों को भी उम्मीद है कि इस बार के बजट में सरकार कुछ ऐसे फैसले लेगी जिससे व्यापारियों के साथ साथ किसानों, महिलाओं और आम आदमी को भी राहत मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इस बार आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी गाजियाबाद के इंदिरापुरम में हमने एक बजट चौपाल किया जिसमें तमाम लोगों से बातें की और लोगों ने ये बताया कि इस बार जो 1 फरवरी को मोदी सरकार अपना आखिरी बजट पेश करने जा रही है, उन बजट से, उस बजट से उनकी कितनी उम्मीदें हैं। और फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में फिर सिर्फ इतना ही, वक्त एक ब्रेक है, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार एपीएन पर जारी रहेंगी।